हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड जो है वो लैटिन वर्ड एसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। ठीक है, एसिड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्बनिक अम्ल, दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल मतलब जो वीक एसिड होते हैं, जितने भी वीक एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक एसिड मतलब अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल मतलब जो स्ट्रांग एसिड होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो भी मतलब भोज्य पदार्थों में जो भी एसिड पाए जाते हैं वो सबसे कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे नींबू, नींबू कैसा होता है? नींबू, संतरा, सिरका, दही, इमली, कच्चा आम, ये सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में। तो इन सब में क्या पाया जा रहा है? इन सब में एसिड पाया जा रहा है। जैसे नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, इमली में इमली कच्चा आम में टार्टेरिक एसिड। इसी तरीके से जो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो हमारी त्वचा पर पड़ते ही क्या करते हैं? उन्हें बुरी तरीके से जला देते हैं, मतलब हमें जला देते हैं। तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल। ये सब अम्ल ही है। तो मतलब इनके नेचर के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होते हैं? तनु अम्ल और कंसंट्रेट मतलब तनु डाइल्यूट एसिड, तनु मतलब इंग्लिश में बोलते डाइल्यूट एसिड, सांद्र अम्ल मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो तनु अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, पानी की मात्रा अधिक होती है उनको हम बोलते हैं तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? सांद्र अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम होती है तथा अम्ल अधिक होते हैं, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्षार की। क्षारक मतलब बेस। बेस क्या होते हैं? बेस जो स्पर्श करने पर मतलब छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन के जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, और इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। वे होते हैं हमारे बेस, जैसे कि खाना सोडा Na2CO3, इसका फॉर्मूला ही क्या है? ये बेस है। ठीक है, अब बेस जो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, मतलब जल में डालते ही घुल जाते हैं, वो कैसे होते हैं? वो नेचर में एल्कलाइन होते हैं और उनको हम बोलते हैं क्षार, मतलब क्षार, एल्कली, एल्कली बोलते हैं। जैसे NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? एल्कली है, बेस है, ठीक, वो क्षार है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लवण। लवण क्या होते हैं? जब हम अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या होते हैं? साल्ट प्राप्त होते हैं, मतलब अम्ल और क्षार के मिलने से क्या लवण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए HCl क्या है? HCl एसिड है। ठीक है, NaOH क्या है? बेस है। तो इन दोनों की अगर हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया? NaCl, साल्ट और वाटर, और इसमें एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराने पर एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम सूचक की, मतलब इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? जो अम्ल किसी भी विलयन में, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति का मतलब सूचना देते हैं कि इसमें अम्ल है या क्षार है, इस सॉल्यूशन में क्या है, अम्ल या क्षार, तो उसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर, मतलब सूचक। ठीक है, सूचक क्या होते हैं? ये प्राकृतिक होते हैं, जैसे लिटमस पेपर है। ठीक है, ये लिटमस पेपर, ये भी क्या? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, लिटमस पेपर, जैसे ये अगर एसिड, अगर हम लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो क्या होगा? वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर से रेड कलर में। एंड अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो ये रेड से कैसा हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है? बेस है। इसी तरीके से हल्दी है, जैसे कि हल्दी आपने देखा होगा कपड़ों में पड़ जाती है, तो अगर हम इससे साबुन लगाते हैं, धुलते हैं, तो क्या वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब इस तरीके से क्या पता चला है हमें? जो हमारे साबुन है वो कैसा नेचर का है? कैसे नेचर का? मतलब बेसिक नेचर है उसका, बेस, वो बेस है। ठीक है, प्याज, मतलब प्याज, अब देखो इसकी वजह से, इसकी महक से हमें पता चलता है, प्याज जो है वो अपनी महक से बताता है, मतलब गंध से। तो प्याज जो है वो एसिड में अलग उसकी गंध होगी और उसमें स्मेल, ठीक है, स्मेल एसिड में अलग होगी और बेस में उसकी अलग होगी। तो इसी तरीके से ये जो भी हमारे मतलब सूचक होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं और ये क्या होते हैं, मतलब ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति की हमें सूचना देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में।
तो आज हमने पढ़ा है अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इसकी जो भी पीडीएफ है वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, कॉपी में नोट करेंगे और ये याद करेंगे, ठीक है। और एक एक्सरसाइज सेंड करेंगे, उसको आपको सॉल्व करना होगा। थैंक यू क्लास।